पाकिस्तान का कलंकित इतिहास एक बार फिर दोहराया जाने वाला है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में आज तक कोई सत्तारूढ़ पार्टी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है और अब फिर एक बार पाकिस्तान में ये नज़ारा देखने को मिलने वाला है। इमरान की कुर्सी जाने वाली है, लेकिन इमरान लगातार उसे बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इमरान के सिर पर मंडरा रही ये मुसीबत ऐसी है जिससे इमरान का निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेतृत्व वाली सरकार कभी भी गिर सकती है और प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ सकता है, लेकिन इमरान खान खुद के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले भीड़ के भरोसे नजर आ रहे हैं। इमरान खान की ओर से 27 मार्च को इस्लामाबाद में विशाल रैली का आयोजन किया गया है जिसका मकसद भीड़ का समर्थन जुटाना है, क्योंकि इमरान सरकार के 50 मंत्री अचानक गायब हो गए हैं। ऐसे में इस रैली के जरिए इमरान ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सांसदों का नहीं लेकिन जनता खान के साथ खड़ी है। दरअसल सत्ताधारी पीटीआई के 50 मंत्री सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 से अधिक संघीय और प्रांतीय मंत्रियों को पब्लिक में नहीं देखा गया है। इन लापता मंत्रियों में से 25 संघीय और प्रांतीय सलाहकार और विशेष सहायक हैं, जबकि इनमें से 4 राज्य मंत्री हैं, 4 सलाहकार हैं और 19 विशेष सहायक हैं। हालांकि संघीय स्तर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अभी भी अपने मंत्रियों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इन 50 मंत्रियों के गायब हो जाने से इमरान की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद में जलसा नाम से पावर शो का आयोजन किया। सत्ताधारी पार्टी की तरफ से ट्विटर पर देश के लोगों के लिए इमरान खान का एक वॉइस नोट भी शेयर किया गया जिसमें भीड़ को जलसे में शामिल किए जाने का आह्वान किया गया है। वॉइस नोट में इमरान कहते हैं, मैं आज सारे पाकिस्तानियों को जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है कि आज जो जलसा हो रहा है ये पाकिस्तान की जंग है, ये तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है। जलसे पर पहुंचने वालों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि जल्द निकलें, क्योंकि भीड़ होगी, सड़कें बंद होंगी और मुझे खौफ है कि आप जलसे पे टाइम पर नहीं पहुंचेंगे, तो आपने जिस टाइम पर भी निकलने का प्लान किया है उससे पहले निकलें। बहरहाल पाकिस्तान में सत्ता की कुर्सी इमरान खान के लिए ऐसी हड्डी बन गई है जो निगाले नहीं निकल रही। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया, इमरान के मंत्री लगातार उनका बचाव करने में लगे हुए हैं। इस बीच खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को 28 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सहयोगियों को लुभाने के प्रयास तेज कर दिए हैं, लेकिन इमरान की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है और इस बार उनका बच पाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। इमरान खान शुरुआत से ही लगातार देश के लिए इतने गलत फैसले लेते आए हैं जिसकी वजह से न सिर्फ देश को बल्कि देश की जनता को भी भुगतान करना पड़ा है। आज हालात ये हो गए हैं कि इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने भी उनके साथ नहीं खड़े। ऐसे में अब इमरान देश की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान के 3.5 साल के कार्यकाल में जनता उनकी हरकतों से वाकिफ हो गई है। ऐसे में इमरान कितना भी जनता को लुभाने की कोशिशें कर लें, लेकिन जनता सब जानती है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।